हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडनी कोडर। दिस इज अंकुर जायसवाल हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे एचटीएमएल के अंदर एचआर टैग को अप्लाई कैसे करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे सेट करेंगे, उसके साथ साथ किसी भी टेक्स्ट को कमेंट आउट कैसे करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैं बॉर्डर प्लेट लेके आऊंगा शिफ्ट 1 प्रेस करके और यहाँ से मेटा टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा। इसके बाद बॉडी में आ जाते हैं। सबसे पहले एक डमी टेक्स्ट को मैं प्रिपेयर करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद मैं यहाँ पर लॉरम टेक्स्ट लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ लॉरम 10, ठीक है, 10 वर्ड्स का आ गया। फिर से लॉरम 10, तो ये कुछ इस तरीके से। और इन दोनों को मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, कॉपी करके और नीचे आके पेस्ट करते जाऊंगा कुछ इस तरीके से। अभी आप देखो कि यहाँ के यहाँ पर जो भी हमने कंटेंट लिख रखा है, अगर मैं ब्राउजर के अंदर देखना चाहता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ आ जाता हूँ। अभी मैंने डेवलपर टूल को भी ऑन कर रखा है साथ ही साथ। अभी रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है। बट ये आप देख रहे हो कि सारे के सारे एक दूसरे के साथ मैश आउट हो चुका है, सब एक दूसरे से मिक्स हो रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली इनको सेपरेट करने का तरीका क्या है, आप बी आर टैग का यूज करते हो। सो उसी तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर बी आर टैग यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बी आर टैग से हमारा पहला लाइन सेपरेट हो जाएगा बाकियों से। ये रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा कंटेंट सेपरेट आउट हो चुका है। बट बेसिकली इसका यूज हमने किया तो इसके साथ हुआ क्या, जैसा अलाइनमेंट सभी का है उसी तरीके से इसने भी सेपरेट करने के बाद कर दिया। बट सपोज करो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ इनका अलाइनमेंट, कैसे करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस एंडिंग को कट कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो ये हमारा पूरा पैराग्राफ बन चुका है। इसका मैं अलाइनमेंट सेट करता हूँ, जैसे मैंने लिखा अलाइन इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से, मैं इसको लिख देता हूँ सेंटर, ये हो गया सेंटर में। अब यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ्रेश किया मैंने तो सारा कंटेंट हो गया अभी हमारा सेंटर में। इसके साथ आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर हमने बी आर टैग का यूज किया तो उसने एक लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर जितना भी कंटेंट लिखा था उसको छोड़ दिया, वहां पर लाइन को ब्रेक किया, हमारा कंटेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। और सारे की सारी चीजें कैसे अलाइंड है, जैसे होनी चाहिए, यानी कि सारी चीजें जैसे अलाइंड है या फिर सेट की गई है वैसे के वैसे ही रहेंगी। बट अब आ जाते हैं एचआर टैग के ऊपर, जिसके अंदर आपके कंटेंट थोड़े अलग तरीके से बिहेव करने लगेंगे। यहाँ पर मैं बीआर की जगह जैसे ही एचआर लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, तो अभी आप देखोगे कि ये अभी आपका बीआर का कंटेंट शो हो रहा है। अभी मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो तब देखो, ये देखो आपका कंटेंट यहाँ पर सेंटर में आ रहा है, उसके बाद एचआर टैग का यूज किया हमने तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। और ये कंटेंट आपका बाय डिफॉल्ट जैसा रहता है पहले से, कि सारे कंटेंट आपके लेफ्ट साइड में ही रहने चाहिए, बाय डिफॉल्ट रहती है सेटिंग, तो वो ही अप्लाई हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखो पी टैग का हमने यहाँ पर यूज किया था, यहाँ पर सबसे पहले वीएस कोड में देखो, यहाँ पर पी टैग का स्टार्ट किया था हमने, उसके बाद यहाँ तक हमने लिखने के बाद हमने बोला कि एचआर टैग का यूज करो हॉरिजॉन्टल रूल। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, इतना सब लिखने के बाद हमने यहाँ पर पी टैग को एंड किया था। बट अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर पी टैग को हमने लिखा था दैट्स ओके, यहाँ पर हमारा कंटेंट आ गया जो हमने ये दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखा था। इसके बाद पी टैग को क्लोज कर दिया गया जबकि हमने नहीं किया था, बट बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने कर दिया। उसके बाद एचआर टैग का हमने यूज किया था तो वो एचआर टैग को अप्लाई कर रहा है, दैट्स ओके। उसके बाद हमने ये जो भी कुछ लिखा था ये सब लिखा है यहाँ पर, ये भी ठीक है। उसके बाद लास्ट में पी टैग को क्लोज किया था तो उसने वहां पर ओपन और क्लोज दोनों डाल दिया और वो उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब हुआ क्या, अगर आप बी आर टैग का यूज करते हो तो बी आर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में कंटेंट लाकर दे देता है। बट एचआर टैग क्या करता है, आपके कंटेंट को ब्रेकआउट करता है और बाय डिफॉल्ट कंटेक्स्ट को अप्लाई कर देता है उसके ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जैसे एचआर टैग को आप यूज कर रहे हो तो इसके साथ इसके अंदर कुछ और भी एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जो आप इसके अंदर अप्लाई करोगे। और जैसे यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आता हूँ, अभी इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स को बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला आपको विड्थ मिलता है, तो विड्थ से आप इसका सेट कर सकते हो कितना लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन में मैं अगर मैं बोलूँ इसका विड्थ सेट करना, तो बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ रहती है 100%, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छूटता है वरना ये पूरा कवर कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना आप इसको स्पेस दोगे उतना ये बाय डिफॉल्ट कवर कर लेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं इतना पूरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपली इसके अंदर जैसे मैं चाहता हूँ कि ये 30% रहना चाहिए, मैं लिख दूंगा 30% कुछ इस तरीके से, ये हो गया। यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश, अभी देखो ये 30% का विड्थ हो चुका है। लेकिन इसके साथ एक और चीज आप देखो, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। बाकी चीजें तो ये आप देख रहे हो कि सेंटर में नहीं है, लेफ्ट साइड में हो चुकी हैं, बट ये वाला हमारा सेंटर में है, जो एचआर टैग है ये हमारा सेंटर में है और जो हमारा टेक्स्ट है ऊपर का वो भी सेंटर में है, ठीक है। तो अलाइनमेंट वही वही लेता है जो आप कंटेंट
मीन्स जिस कंटेंट के अंदर रख दोगे उसी के अलाइनमेंट लेगा, बट अपने आप को सेट करने के बाद जो भी कंटेंट शो करेगा वो किधर करने वाला है वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा, लेफ्ट साइड, दैट्स फाइन। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे ये इस टेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं HR लिख देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज के बारे में पता चले। इसके बाद हमने यहाँ पर विथ सेट किया था, इसको मैं नीचे लाता हूँ, ये मैं ऑल्ट प्रेस करके ला रहा हूँ और कुछ नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब HR के अंदर हमने विथ को देख लिया, कैसे विथ सेट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसके अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ HR, ठीक है। HR के अंदर आपको मिलता है अलाइनमेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले तो विथ सेट करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि अलाइन कहाँ हुआ, वरना आप नॉर्मल सेट करोगे तो समझ नहीं आएगा। चलो मैं ऐसी नॉर्मल दिखा देता हूँ पहले, तब जाके करूंगा। तो अलाइन और अलाइनमेंट में आपको तीन चीजें मिलती हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट का दिखाता हूँ, फिर लेफ्ट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश, ये देखो आपको यहाँ पर भी HR टैग का यूज मिल रहा है, यहाँ पर भी एक और HR टैग, यहाँ पर भी आपको HR टैग मिल रहा है, बट यहाँ वाला देख रहे हो कि नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल का मतलब पूरे विथ को कवर कर लिया उसने। उसके बाद यहाँ वाला क्या देख रहे हो आप, 30% पे है। 30% का मतलब क्या हुआ, जो हमने सेट किया था यहाँ पर वो, ये जो हमने विथ सेट कर दिया था क्योंकि हमने पहले सेट किया था ऊपर, अब यहाँ पे कर दिया, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला हमने लेफ्ट में अलाइन किया है बट हुआ नहीं है। देखो यहाँ पर आपको कोड के अंदर मिल रहा है कि HR अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में है, बट उसने किया नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि लेफ्ट साइड में है, क्योंकि इसने विथ 100% कर रखी है। अभी मैं इसका विथ कम करता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। तो जैसे यहाँ पर आते हैं, विथ इज इक्वल टू, और कुछ इस तरीके से मैं बोलूंगा कि इसका विथ रहना चाहिए 30%, जैसा ऊपर की तरह है वैसा ही। अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश, और ये देखो ये हमारा किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जितना था कंटेंट उसका अलाइनमेंट सेंटर में था, दैट्स व्हाई उसने सेंटर में कर दिया। बट ये वाला क्या है, इसका कहीं पे भी कुछ भी सेट नहीं है, इसका हमने अलग से अलाइनमेंट सेट कर दिया, दैट्स व्हाई उसने अपने आपको लेफ्ट में कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारा विथ। HR टैग में आपको अगला मिलता है अलाइनमेंट सेंटर का, यहाँ पे लिखूंगा अलाइन, अलाइनमेंट में दूंगा सेंटर, इसके साथ साथ विथ भी सेट करूंगा ताकि पता चले। तो विथ इस बार मैं रखूंगा 40%, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश, और ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये हमारा सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने इसको सेट नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट ये वाला टेक्स्ट का, इसका टेक्स्ट ले रहा है वो सेंटर के लिए। बट इस वाले में, इसके बाद जो हमने HR टैग का यूज किया है, ये वाला हमने अलाइनमेंट सेट किया है कि ये लेफ्ट में होना चाहिए। इसके बाद जो ये हमारा HR टैग आ रहा है, यानी कि ये लाइन आ रही है, ये बेसिकली सेंटर में, इस वजह से क्योंकि हमने अलाइनमेंट सेट किया है। अब यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा HR टैग के अंदर राइट साइड का। तो HR टैग के अंदर राइट साइड भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखूं मैं अलाइन और ये हो जाएगा राइट साइड। उसके बाद आता है हमारा विथ, तो विथ सेट करना जरूरी है ताकि पता भी चले। तो ये मैं कर दूंगा इस बार 50%, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो सारे कुछ सेम रख लो, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा किस साइड, राइट साइड में। अभी यहाँ पर भी टेक्स्ट को देखते जाओ, ये देखो HR टैग हमारा किधर है, राइट साइड में, विथ कितना है 50% है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से सेट किया और ये इधर राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो अलाइनमेंट आपने तीनों देख ली और साथ ही साथ विथ कैसे यूज कर रहे हैं वो भी देख लिया आपने। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज में, एंड दैट इज कि इसके साथ साथ आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हो या फिर सेट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो साइज मिलता है कुछ इतना सा मिलता है, ये बाय डिफॉल्ट मैंने क्योंकि इसका साइज इंक्रीज कर रखा है अपने ब्राउजर का, दैट्स व्हाई जूम कर रखा है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ नॉर्मल 100 पे, तो आपको कंटेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा, बट ये कुछ ज्यादा ही छोटा है, देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई मैंने इंक्रीज किया था। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से HR टैग का यूज मिल रहा है, ये जैसे मैं इस पे ले जाऊँ तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका साइज चाहता हूँ कि इंक्रीज होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा VS कोड में और यहाँ पर मैं लिखूंगा HR, ठीक है, HR टैग लाऊंगा और मैं चाहता हूँ इसका साइज इंक्रीज रहना चाहिए। तो मैं लिखूंगा साइज, साइज के अंदर आप क्या दोगे, जो आप साइज चाहते हो यानी कि कितना हाइट रहना चाहिए वो। तो मैं चाहता हूँ जैसे 20 रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर, इसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक और हमें HR मिल रहा है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस करके थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर आऊं और उस पर होवर करूं एक बार, जैसे ये देखो, ये हमें मिल रहा है HR टैग, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये हमारा कलर हो चुका है अभी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको HR टैग मिल रहा है और इसको आप देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा साइज है इसका, ठीक है। जबकि ऊपर वालों का देखोगे तो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगर इसका देखोगे तो इसका हाइट कितना कम है और इस वाले का कितना ज्यादा है, क्योंकि हमने साइज सेट कर दिया 20। अब इसके अंदर अगला एट्रीब्यूट आता है नो शेड। तो यहाँ पर आ जाते हैं नीचे और नो शेड को भी देखते हैं। तो HR के अंदर आपको मिलता है नो शेड। तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है
नो शेड, आप सिंपली नो शेड ऐसे लिख दोगे तो भी वैलिड है, और अगर कुछ इस तरीके से लिख दोगे तो भी वैलिड है, बट इसके अंदर कोई वैल्यू मत देना क्योंकि ये नो शेड कोई वैल्यू लेता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये बूलियन होता है, ट्रू फॉल्स जैसा आप समझते हो वही है। ठीक है, वापस आते हैं, रिफ्रेश, और ये कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है। अभी एक चीज चेक करो, बाकी सारे के सारे जो भी आपको एचआर टैग्स मिल रहे हैं, एचआर के यानी कि लाइंस मिल रही हैं, हॉरिजॉन्टल रूल्स मिल रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं, एक कुछ इस तरीके से हैं जैसे इनपुट बॉक्सेस हैं, बस उनका साइज कम कर दिया गया है। बट यहाँ पर आ जाओ, नो शेड वाला कैसा मिल रहा है आपको, ग्रे कलर का मिल रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर का मिल रहा है। तो ये है हमारा सेटिंग एचआर टैग के अंदर कि कैसे आप नो शेड को ऐसा रख सकते हो। नो शेड के अंदर आपको कोई वैल्यू नहीं देनी होती है, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहता है। ठीक है, आप ब्लैंक छोड़ दोगे या फिर इस तरीके से भी रख दोगे ऐसे तो भी वैलिड है। ठीक है, अगर मैं ब्राउजर पे आऊं, रिफ्रेश कर दूं, फिर से वो पेज वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, बट इसके अंदर आ जाओ और यहाँ पर अगर आप नीचे आओ, देखो एचआर टैग को हमने नो शेड किया था, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आ जाते हैं स्टाइल्स के अंदर। अभी देखो सारा का सारा ग्रे कलर सेट हो रखा है बाय डिफॉल्ट, दैट्स व्हाई वो ग्रे कलर का फिल कर दे रहा है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, चलो ठीक है, हमारा नो शेड भी हो गया। अब इसके अंदर आते हैं, जैसे मैंने साइज को सेट कर रखा है और उसके साथ साथ चाहता हूँ कि नो शेड होना चाहिए, शेडिंग भी ना हो, यानी कि अंदर की तरफ कोई व्हाइट स्पेस ना रहे, वो पूरा ग्रे कलर से भर जाए, तो उसके लिए नो शेड होता है। ठीक है, नो शेड का बेसिकली मतलब ही यही है कि कोई कलर ना रहे उसमें। ठीक है, एचआर लिख लो आप। ठीक है, इसके अंदर आ जाओ, जैसे मैं लिखता हूँ साइज इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ साइज रहना चाहिए 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, नो शेड भी रहना चाहिए, तो नो शेड आप ऐसे लिख दो या फिर इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से कर दोगे तो भी वैलिड है। अब यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश, रिफ्रेश करने पे कुछ इस तरीके से हुआ। अभी ये देखो, ये है हमारा एचआर टैग। ठीक है, यहाँ पर आके अगर मैं होवर करूँ, देखो ये है हमारा एचआर हॉरिजॉन्टल रूल, जो हमारा लाइन है ब्रेक करने के लिए कंटेंट को, वो अभी आप देख पा रहे हो कि ये कितना ज्यादा मतलब हाइट का है। ठीक है, विथ तो चलो ठीक है 100% बाय डिफॉल्ट रहता है, बट इसका हाइट कितना ज्यादा है वो देख रहे हो आप। नाउ अभी ये सेट करने के बाद एक और चीज हम देख लेते हैं इसके अंदर। अभी आप देख रहे हो कि साइज और हमने नो शेड सेट किया कि ये दोनों चीजें रहनी चाहिए, बट इसके साथ आप कलर नहीं दे सकते हो। ठीक है, इसको भी देखने वाले हैं अभी, पहले इसके बाद आते हैं हमारा एचआर टैग के अंदर एक और चीज आता है, एंड दैट इज एचआर आप लिखो। ठीक है, इसमें आता है आपका विथ। अभी आप बोलोगे विथ तो हमने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं, विथ आप नो शेड के साथ भी सेट कर सकते हो, तो वो चीज मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 50% रहना चाहिए विथ। ठीक है, इसके साथ मैं बोलता हूँ इसका जो साइज है, साइज इज इक्वल टू 20 रहना चाहिए। ठीक है, 20 के बाद यहाँ पर जो हमारा नो शेड है वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दो या फिर इज इक्वल टू और कुछ इस तरीके से बना दोगे तो भी वैलिड है। यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश, और अभी आप देखोगे कि हमारा कंटेंट कुछ अलग तरीके से आएगा। जैसे देखो ये हमारा विथ जितना हमने सेट किया वो, उसके साथ साथ इसका साइज भी आ रहा है यानी कि हाइट सेट हो गई है, और हमने नो शेड किया वो भी अप्लाई हो रहा है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, इसी को मैं करूंगा कॉपी, यहाँ पर आकर पेस्ट। ये जो हमने नो शेड और विथ साइज ये देखा, इसके साथ आपको अलाइनमेंट तो मिलता ही है, जो मैंने बता दिया, इसको भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ अलाइनमेंट रहना चाहिए इसका राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश, नीचे आते हैं, ये देखो ये हमारा राइट साइड में हो गया। यानी कि अगर आप चाहो तो अपने कंटेंट को, यानी कि एचआर टैग का कहीं पे भी यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आप अलाइनमेंट दे सकते हो, विथ दे सकते हो, साइज दे सकते हो, उसके साथ साथ नो शेड को भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, एचआर टैग के अंदर आपको एक और एट्रीब्यूट मिलता है, एंड दैट इज कलर। तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है कलर। ठीक है, कलर के अंदर मैं जैसे लिख देता हूँ, कलर मैं सिंपली अपनी तरफ से रख रहा हूँ FA0, जैसा ऐसा रख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश, और अभी आप देखोगे एक और कलर इसमें ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज ये कुछ इस तरीके से डार्क येलो टाइप का बोल लो या फिर जो भी कुछ, तो ये कलर आपका मिल गया। ठीक है, अभी आते हैं वापस, यहाँ पर जो भी आपको कलर सेट करने को मिल रहा है, आप इसके साथ साथ अलाइनमेंट विथ साइज सब कुछ सेट कर सकते हो, जैसा आपने नो शेड के साथ किया। बट इसमें ये ध्यान रहे कि आप कलर सेट करोगे तो नो शेड को नहीं करोगे, और नो शेड को करोगे तो कलर सेट नहीं करोगे। अगर आप इन दोनों चीजों को सेट करते हो तो नो शेड को वो छोड़ देता है और कलर को सेट कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं उसको शो भी कर देता हूँ, जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आते हैं एंटर, यहाँ पर आकर पेस्ट। ये जो हमारा कलर है, इसके साथ मैं चाहता हूँ कि ये कुछ यही वाली सेटिंग अप्लाई हो जाए, तो मैं इसी को कर लूंगा कॉपी पेस्ट पेस्ट, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश, ये हमारा कंटेंट रिफ्रेश हो गया। नीचे आते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से आप कलर सेट कर सकते हो, आप जो कलर सेट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं, ये हमारा कंटेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी मैं शो करता हूँ, अगर मैं नो शेड को भी अप्लाई कर दूं तो क्या वो होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये शो भी कर देता हूँ, मैं कॉपी किया मैंने इतना, यहाँ पर आकर
पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। यहां पर आते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा नो शेड, ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्लैंक करके ऐसे छोड़ दो, या फिर आप नॉर्मल भी रख दोगे तो भी हो जाएगा। तो जैसे मैं ऐसे ही रख देता हूँ, सेव कर लो, सेव करके वापस यहाँ पर रिफ्रेश, ये कुछ इस तरीके से यहां पर आते हैं। ये देखो हमारा कंटेंट पूरा कलर्ड है, ठीक है, इसके अंदर नो शेड अप्लाई नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखो लास्ट वाले को, इसके अंदर हमने नो शेड को भी अप्लाई किया है, बट वो अप्लाई हुआ ही नहीं। हॉरिजॉन्टल रूल कहीं पर भी सेट करो आप, उसके अंदर अलाइनमेंट विथ साइज दे रहे हो, तो नो शेड कलर दोनों दे सकते हो, बट एक साथ नहीं। यानी कि कलर दोगे तो नो शेड नहीं, नो शेड दोगे तो कलर नहीं। अगर आप दोनों दे देते हो तो नो शेड को वो भूल जाता है, छोड़ देता है। अच्छा, आपको भी कभी कहीं लग रहा होगा कि नो शेड इज इक्वल टू कहीं ऐसा लिखूं मैं तो हो जाए, तो इसको भी देख लो, सेव करके वापस आओगे, रिफ्रेश, तो ये हमारा कंटेंट रिफ्रेश हुआ। वापस आते हैं नीचे, ये देखो वापस वैसे का वैसा ही है। अगर आप यहाँ पर डेवलपर मोड में भी चेक करोगे तो कुछ इस तरीके से ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कमेंट करने पे, कमेंट करने का तरीका पहले सीख लो, उसके बाद कैसे वो वर्क कर रहा है वो भी सीख लेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ इस एचआर टैग को कमेंट करना, क्या करूंगा, वीएस कोड एडिटर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करने पे कमेंट आउट मिल जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है, फिर से करोगे तो हट जाएगा। कमेंट करने का तरीका क्या है एचटीएमएल में, आपको सिंपली करना क्या है, उस कंटेंट के थोड़े से एक स्पेस बाहर आ जाओ या फिर उसके साथ ही में लिख लो, लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, दो बार माइनस का साइन, ठीक है। जैसे ही आप लाओगे तो कुछ इस तरीके से इसका एंडिंग भी बन जाता है, ये कुछ देख रहे हो इस तरीके से एंडिंग भी बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई एडिटर यूज कर रहे हो, अगर नहीं आता है इस तरीके से तो भी ठीक है, ये स्टार्टिंग है कमेंट का, ठीक है। अभी मैं इतने को ही सेव कर लूं कंट्रोल एस, उसके बाद यहाँ पर ब्राउजर पे आके रिफ्रेश कर दूं तो आपको बाकी कोई कंटेंट नहीं दिखेगा, सिर्फ यही दिखेगा, ठीक है। ये ध्यान रहे कमेंट जहां पर भी करते हो तो ये भी एक तरीके से कंटेनर एलिमेंट मान लो इसको, ठीक है, क्योंकि ये ओपन होता है और क्लोज भी होता है, ठीक है, तो एलिमेंट नहीं है बट देन ऑल्सो मान लो। तो ये कुछ इस तरीके से है आपका, यानी कि लेस देन साइन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, माइनस माइनस, फिर से आते हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ सिर्फ एचआर टैग पहला वाला कमेंट आउट करना, पूरा नहीं, ठीक, क्योंकि मैंने एंड नहीं किया उसका, मैंने बताया नहीं कहाँ पे ये कमेंट बंद होगा, ये जो कमेंट हमने स्टार्ट कर दिया ये बंद कहाँ होगा वो मैंने बताया नहीं, दैट्स वाई उसने पूरा कंटेंट को ही कमेंट आउट कर दिया। अभी यहाँ पर आते हैं, मैं चाहता हूँ सिर्फ एचआर को खत्म करना, यानी कि कमेंट करके यहाँ पर रखना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो बार फिर से माइनस लाऊंगा और ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा, हमारा सारा कंटेंट अब वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कलर कोड आ गया पूरा ये, ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स कलरफुल हो चुके हैं, बट ये वाला नहीं है, ठीक है, इसका कलर ले लिया गया है, वापस हटा दिया गया है, ठीक है, इस वजह से। अभी देखो यहाँ पर आता हूँ मैं, रिफ्रेश करूंगा, सिर्फ पहला एचआर टैग रिमूव हो जाएगा, बाकी सब आएगा। देखो यहाँ पर दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट ये आ रहा है, उसके बाद ये हमारा कंटेंट आ रहा है, बट वो लाइन नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारा कोड था, इसमें थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, ये चेक करो यहाँ पर, ये देखो ये हमारा एचआर टैग लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कमेंट किया हुआ है। अच्छा मैं समझा, तो कमेंट होता क्या है, कमेंट बेसिकली कुछ ऐसी चीज है जो आपके कोड के अंदर तो एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोड के अंदर आप कमेंट कर दोगे किसी चीज को तो वो रहेगा वहां पर, बट आपके ब्राउजर में या फिर कहीं और किसी और पैनल पे या फिर कहीं पर भी शो नहीं करेगा, यानी कि यूजर को नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ प्रोग्रामर डेवलपर के लिए रहती है। एक और चीज मैं बता दूं, जो ये कमेंट्स होते हैं बेसिकली आपके कंटेंट को हाइड करने के लिए रहते हैं। यहाँ पर कंट्रोल क्वेश्चन मार्क किया, कमेंट का आ गया, मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ जैसे पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रूल रहना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रूल हो गया, ठीक है। ये मैंने सिर्फ अपने जानकारी के लिए है, तो आप कंटेंट कुछ ऐसा रखना चाहते हो कि आपके पता चलते रहे कि आपने क्या किया है क्या नहीं, तो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी रख सकते हो, कोड के अंदर किसी कंटेंट को हाइड करने के लिए भी कर सकते हो, हाइड करने का मतलब आपके कोड के अंदर ही रहेगा, वो यूजर को नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, कमेंट का ये यूज है। तो इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक ये देख लिया कैसे एचआर टैग को यूज करते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने अलाइन विथ साइज, उसके साथ नो शेड और कलर को भी देखा, उसके साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे किसी भी कंटेंट को कमेंट आउट कर सकते हैं। सो ये था आज का ट्यूटोरियल, सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।